पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन इज़ अ बून टू फीमेल्स। अगर किसी लेडीज़ या गर्ल के पीरियड में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी में कोई ना कोई सिम्टम या कोई ना कोई प्रॉब्लम रहनी स्टार्ट हो जाती है। तो इट इज़ नथिंग टू बी अशेम्ड और वरीड अबाउट द पीरियड्स एंड द टैबूज रिलेटेड टू द पीरियड्स, लाइक नॉट गोइंग टू द टेम्पल्स एंड नॉट गोइंग इन द किचन इज नीडेड टू बी रिमूव नाउ। बिकॉज बाय दैट टाइम इट माइट बी कंपल्सरी ड्यू टू द हाइजीन काइंड ऑफ द पर्पज, बट नाउ वी हैव गुड काइंड ऑफ सैनिटरी पैड्स, सो आई थिंक द टैबूज रिलेटेड टू नॉट गोइंग टू द टेम्पल्स नीडेड टू बी रिमूव्ड। बट टूडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अमेनोरिया। अमेनोरिया और पीरियड्स का ना आना, नष्ट आर्तव या अनआर्तव, पीरियड्स का नहीं होना, उसके क्या कारण रहते हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट रहता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अमेनोरिया, दो इसके टाइप्स होती हैं। वन इज़ द प्राइमरी अमेनोरिया, सेकेंड इज सेकेंडरी अमेनोरिया। प्राइमरी अमेनोरिया इज रिलेटेड कि जब मेनार्क नहीं हुआ होता है गर्ल्स में या लेडीज में, एक एज होती है जब पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक रिलेटेड टू 13 और 14 ईयर्स में पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन प्राइमरी अमेनोरिया में क्या होता है कि पीरियड्स स्टार्ट ही नहीं होते हैं, उसके अलग कारण रहते हैं, उसका अलग ट्रीटमेंट रहता है। और सेकेंडरी अमेनोरिया में जब आपके पीरियड्स एक बार आने स्टार्ट हो गए और ड्यू टू सम रीजन्स कहीं ना कहीं बीच में आपके एज एज में वो रुक जाते हैं पीरियड्स, वो 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स आपको आ ही नहीं रहे हैं पीरियड्स, या 1 ईयर भी नहीं, वो नहीं आते हैं पीरियड्स, या बिल्कुल ही स्टॉप हो जाते हैं, एक बार स्टार्ट होने के बाद भी स्टॉप हो सकते हैं पीरियड्स। तो उनका क्या ट्रीटमेंट रहता है और उनका क्या रीजन्स रहते हैं। तो प्राइमरी अमेनोरिया में जो बेसिक रीज़न रहता है कि क्यों पीरियड्स की स्टार्टिंग ही नहीं होती है, तो आजकल जो प्रॉब्लम आ रही है वो है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, जो छोटी बच्चियां हैं उनमें हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपका जो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस है वो डिस्टर्ब हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन में स्थित होती है वहाँ से FSH और LH जो हार्मोन्स निकलते हैं वो नहीं निकल पाते हैं, और जो आपका ओवरीज हैं ओवरीज ने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करने होते हैं वो नहीं निकल पाते ड्यू टू द स्टेंट्री लाइफ स्टाइल, कि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, कोई गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ऊपर से आपका खाना पीना जो होता है वो रिफाइंड है, फ्राइड है, बहुत ज़्यादा हैवी आप मील्स लेते हैं और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, और इससे आपके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, उससे पीरियड्स स्टार्ट नहीं होते हैं। अगर आपके एज 16 या 17 तक भी होगी और आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, आपको चाहिए कि आपके पेरेंट्स को चाहिए कि आपके जो फिजिशियन है उससे कंसल्ट करें। एंड सेकेंड रीज़न इज़ एब्सेंस ऑफ द यूट्रस। कई बार बच्चेदानी कंजेंटली नहीं होती है बच्चियों में या लेडीज़ में नहीं बनी होती है, तो इसका ऑफकोर्स इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, लेकिन वो भी इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस। सो ये एक एब्सेंस ऑफ द यूट्रस भी एक कारण रह सकता है, जो कि अल्ट्रासाउंड में हमें पता चल जाता है। सेकेंड जिसके लिए हम कंसर्न्ड हैं, सेकेंड इज द सेकेंडरी अमेनोरिया। सेकेंडरी अमेनोरिया होता है कि आपके साइकिल सही चल रहा था लेकिन बीच में ही कुछ ऐसा हुआ कि आपके पीरियड्स आना बंद हो गए। सेकेंडरी अमेनोरिया लाइक अगर प्रेगनेंसी है तो एक नेचुरल सेकेंडरी अमेनोरिया है, तब पीरियड्स नहीं आते हैं। सेकेंडरी अमेनोरिया का जो एक मेन रीजन है वो है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि बहुत ही कॉमन है आजकल। जो ओवरीज होती हैं वहाँ पर फॉलिकल जो है ज़्यादा डिवेलप होने स्टार्ट हो जाते हैं और एग की प्रोडक्शन नहीं होती है। ये भी हॉर्मोन से रिलेटेड है, ये भी आपका जो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस है ये इसके ऊपर अफेक्ट करता है, आपके हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, या आपको थायराइड का इशू है, या फिर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है PCOS, या कोई भी आपको हॉर्मोन का ऐसा डिस्टर्बेंस है उससे भी आपको सेकेंडरी अमेनोरिया हो सकता है। उससे आपके इवन इसके साथ साथ आपके फेशियल हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर आपके पिंपल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ओबेसिटी होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका भी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इट इज़ अ लाइफ स्टाइल काइंड ऑफ द डिसऑर्डर, तो आपको अपना लाइफ स्टाइल ठीक करना इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है। सो सेकेंड होता है एशरमैन सिंड्रोम। एशरमैन सिंड्रोम में क्या होता है, आपकी यूट्रस की जो लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम वो आपस में चिपक जाती है, और ये इसके कारण भी पीरियड्स नहीं आते हैं। या फिर इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग, नेचुरल जो सेकेंडरी अमेनोरिया है, अगर ब्रेस्ट फीड आप करवा रहे हैं बेबी को तो उसके कारण भी कुछ टाइम के लिए पीरियड्स नहीं आ सकते हैं। सो वट सेकेंडरी अमेनोरिया में ज़्यादा जो जो इसका ट्रीटमेंट रहता है, अंडरलिंग कॉज कॉज क्या है, कई बार जनरल डेबिलिटी, कई बार आपका HP बहुत ज़्यादा लो है, या फिर आपको लीवर से रिलेटेड कोई इशू है, या फिर आपको कोई किडनी से रिलेटेड कोई इशू है, यूट्रस में फाइब्रॉइड है, ये भी एक इसका रीज़न हो सकता है। तो अंडरलिंग जो कॉज है उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट रहता है सेकेंडरी अमेनोरिया में। तो इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम सेकेंडरी अमेनोरिया, या आपने अपने टेस्ट करवाए हैं, आपके डॉक्टर ने आपके टेस्ट करवाए हैं, उसमें कुछ भी नहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके या फिर हॉर्मोन्स आपके डिस्टर्ब आ रहे हैं, आपको थायराइड का इशू आ रहा है, तो आप इसमें सबसे पहले
तो आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें, योगा करना स्टार्ट करें, अपने जो रिफाइंड एंड फ्राइड है उसे आप लिमिट करें, और हेल्दी फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। एक एक्टिव काइंड ऑफ लाइफस्टाइल आप अटेन कर सकते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेस एक का मेजर रीज़न रह रहा है क्यों नहीं पीरियड्स हो रहे हैं, स्ट्रेस भी एक मेजर रीज़न है, तो स्ट्रेस को आप लिमिट कर सकते हैं अपनी लाइफ से। और कुछ एक होम रेमेडीज होती हैं, लाइक आप जीरा, अजवाइन, हल्दी और सौंठ, इनको 100-100 ग्राम लेकर अगर आप पाउडर बनाकर एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम को 21 दिन के लिए पानी के साथ देते हैं, तो इससे भी जो रुके हुए पीरियड्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप पपीता के बीज, सेकंड जो होम रेमेडी है, पपीता के बीज 100 ग्राम, गाजर के बीज 100 ग्राम और मूली के बीज 100 ग्राम, इनको पीस कर अगर एक एक चम्मच सुबह शाम लेते हैं, तो इससे भी पीरियड्स जो रुके हुए होते हैं उनमें काफ़ी हमें रिलीफ मिलता है। और इसके अलावा आप अपने एक्सरसाइज रूटीन में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डाइट में अपने रोज काले तिल और गुड़ का यूज़ करते हैं, तो उससे भी आपके पीरियड्स नॉर्मलाइज रहना स्टार्ट हो जाते हैं। आयुर्वेद की बात करते हैं, तो आयुर्वेद में अमेनोरिया को नष्ट आर्तव या अनार्तव कहा गया है, और इसमें भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इसमें हमारे पास बहुत सारी मेडिकेशंस होती हैं, लाइक रजप्रवर्ती वटी है, चंद्रप्रभा वटी, कन्या लोवादी वटी और कुमार्यासव, ऐसे बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जो कि हमारे पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस के ऊपर वर्क करके और हमारी पूरी बॉडी के जो वातपित्त कफ है उनको बैलेंस करती है। क्योंकि ये वातज डिसऑर्डर है, तो इसमें हम पंचकर्मा में बस्ती का भी इस्तेमाल करते हैं, मात्रा बस्ती या उत्तर बस्ती भी हम दे सकते हैं, इससे भी आपके पीरियड्स नॉर्मलाइज रहना स्टार्ट हो जाते हैं। ये परमानेंट काइंड ऑफ द ट्रीटमेंट है। और अगर आपके डॉक्टर को ऐसे प्रॉब्लम आ रही है कि आपके पीरियड्स नहीं नॉर्मलाइज है, तो उसको आप हल्के में ना लें और उसका ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है, क्योंकि आगे चलकर इनफर्टिलिटी का इशू भी हो सकता है। तो इफ़ यू और योर डॉक्टर इज सफरिंग फ्रॉम सम पीरियड्स अमनोरिया या फिर पीरियड्स आपको सही नहीं आते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर द बेस्टेस्ट काइंड ऑफ द ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच।